गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी का रिवीजन हमने कर लिया है। आज हम इंग्लिश का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक ओपन करनी है और कुछ इस तरीके से आपको ये जो रिवीजन वर्क दिया गया है आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, हार्ड वर्ड्स यानी कि कठिन शब्द। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्रीटी, तो प्रीटी का हार्ड उसका जो होगा सोल्यूशन निकलेगा वो क्या है? प्रीटी को हम लवली भी बोलते हैं। प्रीटी मीन्स भी प्यारा होता है और लवली मीन्स भी प्यारा होता है। प्लीजेंट और नाइस nice, दोनों का एक ही मतलब निकलता है यानी कि अच्छा। क्लाइंब मीन्स भी और गो अप मीन्स भी ऊपर चढ़ना होता है। रिटर्न और कम बैक यानी कि वापस आना। स्टडी एंड रीड यानी कि पढ़ना। सर्विस एंड फैसिलिटी यानी कि जो भी कोई सुविधाएं होती है उसको बोलते हैं सर्विस या फिर फैसिलिटी। तो बच्चों, आपको ये हार्डवर्क जो है इस प्रकार से अपनी नोटबुक में राइट करना है। आप लोगों को ओनली ये ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन आप लोगों के कुछ नहीं रहेंगे, ये दी जाएंगे प्रीटी, प्लीजेंट, क्लाइंब, रिटर्न, स्टडी एंड सर्विस। आगे के जो आंसर्स दिए गए हैं वो आपको खुद से राइट करना है, इनको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं बच्चों, राइट एनी 6 वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में से और चैप्टर 2 में से बच्चों आप लोगों को कुछ कोई भी अन्य 6 वर्ड मीनिंग्स राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। बट बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने 3 वर्ड मीनिंग्स राइट किए हैं, एग्जाम्पल दिया जैसे एल ई आर एन, लर्न, लर्न मीन्स याद करना। पी एल ए वाई प्ले, प्ले मीन्स खेलना। सी एल आई एम बी क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। तो इसी प्रकार से आपको 3 और वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर से ढूंढना है और उसके अंदर राइट करना है। आगे बढ़ते बच्चों, टर्न द पेज। क्वेश्चन नंबर 3 में है जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स में होते हैं बच्चों उल्टे सीधे शब्द जो होते हैं उनको हमें उल्टे जो वर्ड, ये जो डिजिट्स वर्ड्स हैं जो इसमें उल्टे सीधे लिखे हुए हैं उनको हमें सही मीनिंग बनानी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एल डबल ओ एच सी एस, तो इसका हमें सही मीनिंग बनाना है एस सी एच डब्लो एल स्कूल। यहाँ लिखा हुआ है ई एस यू ओ एच, तो हमें इसका सही वर्ड बनाना है एच ओ यू एस ई हाउस। एन ई पी, एन ई पी का सही मीनिंग होएगा पी ई एन पेन। आर आई ए एच सी, इसका सही मीनिंग होएगा सी एच ए आई आर चेयर। डबल एस ए आर जी, इसका सही मीनिंग होएगा जी आर ए डबल एस ग्रास। ई एल बी ए टी, इसका सही मीनिंग होएगा टी ए बी एल ई टेबल। अच्छे से देख लीजिए बच्चों, आप लोगों को ये जंबल वर्ड्स इसी प्रकार से राइट करना है। इनके अलावा भी अदर मीनिंग्स भी आप लोगों के पास आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लोगों के पास यही मीनिंग्स आएंगे, कोई भी अन्य मीनिंग्स भी आप लोगों के पास आ सकते हैं। अपोजिट वर्ड्स में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम अपोजिट वर्ड्स से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विलेज, विलेज यानी गाँव होता है। विलेज का अपोजिट क्या होगा? सिटी, सिटी मीन्स शहर। गाँव का अपोजिट क्या हो गया? शहर। तो विलेज मीन्स गाँव और सिटी मीन्स शहर। आप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। आपका अपोजिट होगा डाउन। हैप्पी का अपोजिट होगा सैड यानी कि खुश। हैप्पी मीन्स खुश और सैड मीन्स उदास। तो हैप्पी का अपोजिट होगा सैड। गो मीन्स जाना और कम मीन्स आना। तो गो का अपोजिट क्या हो गया? कम। तो आप लोगों को ये भी अपनी नोटबुक में राइट करना है। आगे भी है अपोजिट वर्ड्स। डे का हो गया नाइट, स्लो का हो गया फास्ट। स्लो मीन्स धीरे, फास्ट मीन्स तेज। डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात। कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गर्म। तो कोल्ड का अपोजिट हो गया हॉट। रिच मीन्स अमीर, पुअर मीन्स गरीब। रिच का अपोजिट हो गया पुअर। बच्चों, आपको इसी प्रकार से ये जंबल वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स जो दिए गए हैं आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे है बच्चों, यूज ऑफ ए और एन। जैसे कि वोवल्स, आप लोगों को पहले भी समझाया गया है कि जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू 5 टाइप के होते हैं। इनसे जो भी वर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं वहां पर हमें ए एन का यूज करना होता है। बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है पर्सन, सॉरी पेन लिखा हुआ है बच्चों, पेन। तो पेन के साथ हम किसका यूज करेंगे? ये वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से। तो हमें पेन के साथ में ए का यूज करना है। यहाँ लिखा हुआ है हाउस, तो हाउस वोवल से नहीं आता क्योंकि ये एच से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ भी ए का यूज करना है। यहाँ लिखा हुआ है ईगल, ईगल आ गया ना वोवल्स में, ए ई आ गया ना ई, तो यहाँ पर हमें ए और एन का यूज करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आ गया एप्पल, एप्पल के पहले भी हमें ए एन का यूज करना है। तो इसी प्रकार से बच्चों, आपको जो जितने वर्ड्स दिए गए, जैसे यहाँ लिखा हुआ ऑरेंज के साथ ए एन का यूज करना है, ऑक्स के साथ भी ए एन का यूज करना है,
या लिखा हुआ है कप, कप कप के साथ हमें ए का यूज करना है, लाइन के साथ हमें ए का यूज करना है, एग के साथ हमें ए एन का यूज करना है। बच्चों आप अच्छे से देख लीजिए स्पेलिंग्स को कि कौन सी स्पेलिंग लिखी हुई है, और उसके बाद में आपको अपने नोटबुक में अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में राइट करना है, उसको समझना है कि कहाँ पर ए का यूज होगा और कहाँ पर एन का यूज होगा। मैंने आपको समझाया भी है पहले कि वोवल्स के साथ में जो भी वर्ड्स बनता है उसके साथ में आप ए एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में ए का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ते हैं बच्चों, फिल अप द ब्लैंक्स विद सूटेबल नेमिंग वर्ड्स। बच्चों हमें इनके सूटेबल, इनके अकॉर्डिंग हमें खुद से राइट करना है कि इसके साथ में कौन सा वर्ड सूटेबल हो रहा है। एन एप्पल इज ए, एप्पल क्या है बच्चों, फ्रूट है। तो यहाँ तो मैंने फ्रूट राइट कर रखा, लेकिन वहां पर जब आपका एग्जाम होगा वहां पर ये डैश आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगी, जगह जो है ब्लैंक आएगी, तो आपको यहाँ पे फ्रूट फिल करना है। पहले इसको सेंटेंस को रीड करना है, जरूरी नहीं है कि मैं वहां पर एप्पल ही लिखा हुआ आएगा, कुछ और भी लिखा हुआ आ सकता है। एन एप्पल इज ए फ्रूट। ए कंट्री इज ए प्लेस, जो कंट्री होती है देश होता है वो क्या है, एक जगह है। आगे बढ़ते हैं, ए रेडिश इज ए वेजिटेबल, जो रेडिश होती है मूली होती है वो क्या होती है, एक सब्जी होती है। ए रोज इज ए फ्लावर, रोज जो है गुलाब जो है वो क्या है, एक फ्लावर है यानी कि फूल है। एन आंट इज एन इंसेक्ट, एक जो आंट होती है वो क्या होती है, एक आंट जो होती है वो क्या होता है, एक कीड़ा होता है। ए डॉक्टर इज अ पर्सन, डॉक्टर जो है वो क्या है, एक पर्सन है यानी कि व्यक्ति है। ए बॉल इज अ थिंग, जो बॉल है वो क्या है, एक चीज है। ए लाइन इज एन एनिमल, लाइन क्या है बच्चों, एक जानवर है। तो हमें नेमिंग जो है इसके, इनके सुटेबल अकॉर्डिंग ही हमें इनके नेम्स राइट करने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नाउन, नाउन की डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको पहले भी राइट करवाई थी, तो आज हम इसको रिवीजन वर्क में लेके आ रहे हैं। व्हाट इज द नाउन, नाउन क्या है यानी कि संज्ञा क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स। नाउन जो है वह एक व्यक्ति, जगह है, जानवर और चीज। जैसे कि मैंने आपको हिंदी में भी समझाया है कि नाम वाले सभी शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे व्यक्ति आ गया, प्लेसेस जगह आ गई, एनिमल्स जानवर आ गए, और थिंग्स यानी कि चीजें आ गई। तो यह है नाउन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच इज द फिफ्थ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में फिफ्थ लेटर कौन सा आता है बच्चों, तो हमें ABCD बोल के देखनी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, फिफ्थ नंबर पे आता है बच्चों ई, क्योंकि हमें बोल के देखना है ए बी सी डी ई। ई पे क्या आ गया, फिफ्थ, किस पे नंबर पे आ गया, फिफ्थ नंबर पे। तो द फिफ्थ लेटर इज एफ इन इंग्लिश अल्फाबेट। विच लेटर कम्स बिफोर सी, सी जो है, सी जो है उसके पहले कौन सा लेटर आता है। B comes before C, जो B है वो किसके पहले आता है, C के पहले आता है। Which letter comes after Y, Y के पहले कौन सा letter आता है, Y के पहले आता है Z, Z comes after Y। How many vowels in English alphabet, English alphabet में कितने vowels होते हैं बच्चों, इसका आंसर यहाँ दिया गया है। There are 5 vowels in English alphabet. English alphabet में 5 vowels होते हैं, कौन कौन से, A, E, I, O, U. Where do Ranjan and Rashmi live? Ranjan और Rashmi जो थे वो कहाँ रहते थे, इसका आंसर है Ranjan and Rashmi live in a village. वे एक गांव में रहते थे। Write T for true and F for false statements। तो बच्चों हमें T किसके लिए लिखना है, राइट आंसर के लिए, और F हमें किसके लिए लिखना है, रॉन्ग आंसर के लिए। रंजन एंड रश्मि लव देयर स्कूल, रंजन और लक्ष्मी जो थे वो अपने स्कूल को क्या करते थे, लव करते थे ना, तो हमने यहाँ पे T लिखा क्योंकि वो आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रंजन एंड रश्मि गो टू स्कूल बाय बस। रंजन और रश्मि जो थे वो स्कूल किससे जाते थे, बाय बस जाते थे क्या, नहीं ना, वो तो पैदल जाते थे। तो हमने यहाँ पे एफ राइट किया क्योंकि ये रॉन्ग है, सेंटेंस है।
द चिल्ड्रन ऑल्सो डांस एंड सिंग, जो बच्चे थे वो भी खुद भी क्या कर रहे थे, डांस और नाचना और गाना कर रहे थे, कर रही थी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टी यानी कि राइट। द चिल्ड्रन डज नॉट मीट हिज फ्रेंड्स, जो बच्चे थे वो अपने फ्रेंड से नहीं मिलते थे क्या, मिलते थे ना। तो हमें यहाँ पे, हमने यहाँ पे एफ राइट किया है क्योंकि ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे तो अपने फ्रेंड से मिलते थे ना। तो बच्चों इसी प्रकार से आपका ये रिविजन जो है F1 का वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको अच्छे से हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है और उसको साथ में लर्न करना है। आपके F1 के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों।